आरएसएस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इधर हरियाणा में जो कुछ चल रहा है, जो हलचल है, राहुल गांधी विदेश जा चुके हैं और कल ही रात को रवाना हुए अमेरिका के लिए। अमेरिका में 8 से लेकर 10 तक, 8 सितंबर, 9 सितंबर और 10 सितंबर, 3 दिनों का उनका कार्यक्रम और बहुत सारे कार्यक्रम है। शुरुआत में अपनी भूमिका में वो सब मैं बता चुका हूं, लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उसका असर सत्ता पक्ष पर कितना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सत्ता पक्ष कैसे यहां परेशान है, यानी बीजेपी कैसे परेशान है। और अब तो राहुल गांधी ने खुले तौर पर यह भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी को भी साथ लाओ, और न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यह बात आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, यानी राज्यों के चुनाव जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें भी इंडिया गठबंधन साथ साथ लड़ रहा है, यह दिखाई दे रहा है। और शायद यही चिंता का विषय आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा है। क्या ऐसा ही माना जाए डॉक्टर राकेश पाठक जी, और कैसे देखते हैं आज के घटनाक्रम को? देखिए राजीव जी, आज का घटनाक्रम तो पूरा कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 जून के बाद जो पहली चुनौती बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने आने वाली है वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव है। जो टेम्पो बना हुआ था लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, उनका पूरा कुनबा, ऐसा लगा था कि चुनाव परिणाम के बाद वो कितने दिन चल पाएगा, और जब राज्यों के चुनाव होंगे तो जो प्रादेशिक अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं इन सभी छोटे दलों की, छोटा दल कोई नहीं है, सब अपने आप में बड़े दल हैं, उनकी अपनी अपनी जो आकांक्षाएं, उसमें खास तौर से आम आदमी पार्टी हरियाणा में सपने देखती रही। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जेल में बाहर नहीं आ पाए, इसके बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए अगर राहुल गांधी आग्रही है, उनकी जिद है कि कुछ समझौता किया जाए, 1-2 सीटें, 5 सीटें जो भी मांग रहे हों वे दी जाए, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का पहला लक्ष्य यह है कि नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन और बीजेपी को एक बार फिर यह साबित करके दिखाया जाए कि हम एकजुट हैं, हमारी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जो चल रही थी लोकसभा चुनाव में वो निरंतर जारी है। अगर इन दो राज्यों के चुनाव में सकारात्मक परिणाम निकलते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज जाएगी। हरियाणा का जो नजारा हम देख रहे हैं, प्रत्याशियों के नाम घोषित होते ही जिस तरह लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, जिस तरह उनके बयान आ रहे हैं, दल बदलुओं को, कांग्रेस से आए लोगों को जिस तरह बीजेपी ने टिकट दिए हैं, परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद तक करते हैं, हरियाणा की पूरी सूची परिवारवाद के सुपुत्र और सुपुत्रियों से भरी पड़ी, तो ये बड़ी चुनौती है कि बीजेपी हरियाणा में बिखरती हुई सी दिखाई दे रही है और कांग्रेस का आकर्षण कैसा और क्या है वो शकील साहब ने अभी बताया कि दो बड़े खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के कांग्रेस में आने के समय जो कांग्रेस कार्यालय का नजारा है, पूरे देश में उससे जो माहौल बना है वो भी कांग्रेस के पक्ष में जाता है। हम नहीं जानते इनमें से कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देगी, कौन चुनाव लड़ेगा, हारेगा या जीतेगा, लेकिन एक परसेप्शन की लड़ाई होती है राजनीति में, माहौल की लड़ाई है, माहौल कांग्रेस ने अपने पक्ष में बना रखा है। बीजेपी के लोग, उनका आईटी सेल, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये बात कहेगी, कह ही रही है कि बजरंग पुनिया और जो अपने खिलाड़ी विनेश फोगाट ये राजनीति में चले गए, पहले ही कांग्रेस का इनके साथ साथ था। ये भारत में कोई नई बात नहीं है राजीव जी, समाज के गैर राजनीतिक क्षेत्रों में से राजनीति में लोग हमेशा से आते रहे, फिल्मी सितारे आते रहे हैं, खिलाड़ी हमेशा से आते रहे हैं, न्यायपालिका से लोग एक दिन पहले छोड़कर नौकरी, तीसरे दिन बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, सांसद बनकर बैठे हुए हैं, अभी एक जेलर साहब आ गए, टिकट भी मिल जाएगा, शायद मिल गया है उन्हें। तो खिलाड़ियों का कांग्रेस के साथ जाना एक पार्टी को अखर सकता है, लेकिन देश को लोग जानते हैं इससे कोई, ये कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं। अब आते हैं मोहन भागवत के बयान पर। राजीव जी, हम बहुत सालों से, पिछले 4-5 सालों से लगातार दोहरा रहे कि व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के रिश्ते अच्छे नहीं, सांगठनिक स्तर पर भी संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे, खास तौर पर चुनाव के बाद से मोहन भागवत के बयानों को हम अगर दोहराएं तो लगता है
कि उन्होंने टारगेट बना लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, खास तौर से प्रधानमंत्री के अहंकार को, स्वघोषित अवतारी अविनाशी होने को बहुत ज्यादा अन्यथा ले लिया है मोहन भागवत जी ने। इसीलिए वे पहले कह चुके, सवा साल से डेढ़ साल से मणिपुर जल रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री से कह रहे थे, फिर डॉक्टर राजीव रंजन से तो कह नहीं रहे थे मणिपुर की चिंता कौन करेगा। उसके बाद उन्होंने वो बयान भी दिया था कि कुछ लोग सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं, फिर देवता, फिर ईश्वर, फिर विश्व रूप, पर अब उन्होंने सीधे कह दिया कि जनता तय करेगी आप भगवान हैं या नहीं। किसके लिए कहा जा रहा है? राहुल गांधी ने तो कभी नहीं कहा ना कि वे अविनाशी हैं और अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं। इस देश में और इस दुनिया में, पृथ्वी पर 7 अरब लोगों से ज्यादा लोग हैं मनुष्य, एकमात्र व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा है कि वे नॉन बायोलॉजिकल हैं। मुझे नहीं मालूम दुनिया में इससे पहले कभी किसी ने कहा हो। तो स्वाभाविक है डॉक्टर मोहन भागवत का बयान भी नरेंद्र मोदी को असहज करने के लिए पर्याप्त है। और अगला एक महीना यानी 8 तारीख को जब गिनती होगी, लगभग आज से 30 ही दिन बचे हैं, वो 8 तारीख 4 जून की तरह भारी पड़ती हुई लग रही है भारतीय जनता पार्टी को। जी, कश्मीर के हालात किसी से छुपे नहीं है। बस मैं यहां खत्म करूंगा कि कश्मीर में वे जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने की बात करेंगे, 370 को लेकर, वो भी एक प्रकार का जनमत संग्रह होगा कि आपने 370 हटाई तो क्या कश्मीर के लोगों ने उसकी तस्दीक की, उसको एंडोर्स किया, क्या उसे स्वीकार किया, इसका फैसला भी 8 अक्टूबर को हो जाएगा। जी राजीव जी, बिल्कुल 8 अक्टूबर को रिजल्ट आना है, यानी काउंटिंग डे है, और इसलिए उस दिन इन दोनों राज्यों के फैसले के साथ साथ नरेंद्र मोदी के भविष्य का फैसला भी होगा। इसलिए क्योंकि यहां से नरेंद्र मोदी अगर दोनों राज्यों को उनकी पार्टी जीतती है तो वो मजबूत होंगे, अगर हारती है तो और कमजोर होंगे, क्योंकि वो अभी कमजोर हो चुके हैं। 2014-2019 वाले नरेंद्र मोदी 2024 में नहीं हैं, ये बात आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इसके आगे क्या युवाओं का साथ कांग्रेस को मिल रहा है, जिन युवाओं के सहारे नरेंद्र मोदी यहां तक पहुंचे थे, युवाओं का साथ, खिलाड़ियों का साथ कांग्रेस को मिल रहा है, राहुल गांधी को मिल रहा है, अब फिर नरेंद्र मोदी करें तो क्या करें। उधर मोहन भागवत अविनाशी और नॉन बायोलॉजिकल वाले जो बात है नरेंद्र मोदी की, उस बात पर सीधे सीधे बयान दे रहे हैं। मोहन भागवत के उस बयान को जरा ले आइए जो टेक्स्ट में है, क्योंकि मराठी में समझना कई लोगों के लिए मुश्किल है, टेक्स्ट में जरूर देख लीजिए। कह रहे हैं कि हम भगवान बनेंगे या नहीं ये तो जनता तय करेगी, हमें खुद को भगवान घोषित नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि शांत रहने के बजाय हमें बिजली की तरह चमकना चाहिए, लेकिन बिजली चमकने के बाद तो और भी अंधेरा छा जाता है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को दिए की तरह जलना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही चमकना चाहिए। किसके लिए कह रहे हैं ये समझना पड़ेगा। और यही बात यहां डॉक्टर राकेश पाठक जी और उनसे